नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चॉपलेट पर। दोस्तों आज की स्टूडियो हम बात करेंगे राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2021 के बारे में। जहाँ दोस्तों आप इसके एडमिट कार्ड को अपने मोबाइल से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही दौड़ वाले दिन कब तथा कैसे और क्या होगा, और साथ ही आपको अपने दौड़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं, आपको ये मेडिकल तथा चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ व कैसे बनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आज के इस एकमात्र वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे होमगार्ड भर्ती 2021 से जुड़ी हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी जब भी दौड़ है उसके 10 से 15 दिन पहले होमगार्ड द्वारा आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज भेजा जाएगा, जिस मैसेज में लिखा होगा राजस्थान होमगार्ड वॉलेंटियर पीटी शेड्यूल्ड, और वो डेट लिखी होगी जिस दिन आपकी दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है। अगर ये मैसेज भी आपके पास नहीं आया है तो भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको अपने मोबाइल या पीसी में जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है होमगार्ड ऑफिशियल वेबसाइट और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप ये लिख के ब्राउज करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है home.rajasthan.gov.in, इसका लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे, उसके बाद डेट मंथ और ईयर को सेलेक्ट करते हुए डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे फिल करते हुए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सारी जानकारी फिल के आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा, और इसमें आपके दौड़ की डेट लिखी होगी, दौड़ का टाइम लिखा होगा, और साथ ही दौड़ कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखा होगा, और इसके पास में आपको डाउनलोड पीटी एडमिट कार्ड का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। इस एडमिट कार्ड के 2-3 प्रिंटआउट आपको निकाल लेने हैं, और ध्यान रखना है कि जब आप दौड़ में जाएं तो आपका नाम यहाँ पे, उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और साथ ही जिस भी दिन आपकी दौड़ है उस दिन आपको यहाँ पे उस दिन की डेट लिखनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है। ये तो बात हो गई दोस्त आपके एडमिट कार्ड के बारे में। अब बात करते हैं दौड़ वाले दिन कैसे तथा क्या प्रोसेस रहेगा, यानी सुबह जब आप दौड़ के लिए जाएंगे उस समय से लेकर दोपहर को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक की कहानी किस प्रकार से रहेगी। दोस्तों सबसे पहले आपके जाते ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी एडमिट कार्ड है, साथ ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में लाए हैं उनकी चेक किया जाएगा, यानी जो भी आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जो भी आपने फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता भरी है, और साथ ही आपको अपना मूल निवास तो साथ में ले ही जाना है तो वो मूल निवास चेक करेंगे, और साथ ही आपका जो भी आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, और साथ ही आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। और सारा कुछ सही होने के बाद आपको PET PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शारीरिक मापतोल परीक्षण के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, सब कुछ सही हो तभी, और उसके बाद आपका शारीरिक मापतोल परीक्षण किया जाएगा। इस शारीरिक मापतोल परीक्षण में सबसे पहले आपके चेस्ट का माप किया जाएगा, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है अगर आप एक पुरुष अभ्यर्थी हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जो चेस्ट का साइज है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए चेस्ट का माप लागू नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप 12 जिले के हैं तो ऐसी स्थिति में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं है। इसके बाद आपकी ऊंचाई यानी हाइट का माप किया जाएगा। ध्यान रखें अगर आप सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो
और पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 12 जिले के लिए पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ पुरुष अभ्यर्थी सामान्य क्षेत्र के लिए वजन को यहाँ पे लागू नहीं किया गया है, जबकि महिला अभ्यर्थी का जो वजन है वो करीब 47.5 किलो या इससे अधिक होना चाहिए। और साथ ही 12 जिले के लिए आपकी महिला अभ्यर्थी का वजन 43 किलो होना चाहिए। आप चाहे तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शारीरिक मापतोल परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, आपका वजन, आपकी ऊंचाई, आपका चेस्ट सारा ही कुछ सही बैठता है, तो आपका द्वितीय चरण में प्रवेश हो जाएगा। और इस चरण के दौरान आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी यानी PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान आपको 800 मीटर या फिर 1000 मीटर की दौड़ करनी होगी। दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ अभी हो रही है और इस 1000 मीटर की दौड़ में आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आपको इस दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा करना होगा। दोस्तों ध्यान देना है कि जो भी पुरुष अभ्यर्थी है अगर वो इस दौड़ को 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा करता है तो उसे 30 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप इस दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको केवल 23 अंक मिलेंगे। और अगर आप इस दौड़ को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं तो इसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। अगर आपको होमगार्ड बनना है तो आपको एक्सेलेंट में आना होगा यानी इस दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा करना होगा ताकि आपको 30 अंक मिल सके। साथ ही महिला अभ्यर्थी के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में 30 अंक, साथ ही 3 मिनट 40 सेकंड में 23 अंक और 4 मिनट 30 सेकंड में 15 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, पिछली बार की तरह इस बार आपके होमगार्ड का दौड़ का प्रोसेस नहीं रहेगा। इस दौड़ में आपका आप ही से कंपटीशन है यानी आप ही दौड़ेंगे। और ध्यान रखें इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है कि कोई आगे निकल गया तो दिक्कत है, कोई पीछे रह गया तो दिक्कत है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये 1000 मीटर की दौड़ अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो 3 मिनट 10 सेकंड में पूरी करनी है और अगर महिला अभ्यर्थी है तो 3 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है ताकि आपको 30 में से 30 अंक मिले। और यहीं से शुरू होगा आपके अंकों का सिलसिला। दौड़ होने के बाद आपके अन्य दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसके अंक भी आपके यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास NCC है ABC तो उसके ए के लिए 4 अंक, बी के लिए 6 अंक और सी के लिए 8 अंक दे होंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास RACIT या फिर कंप्यूटर शिक्षा अन्य कोई कोर्स है तो उसके 3 अंक दिए जाएंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिक इत्यादि में ITI सर्टिफिकेट है तो आपको इसके 2 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखिए अगर आपने स्पोर्ट्स प्रतिभागी हैं यानी नेशनल स्तर पर हैं तो आपको 4 अंक, साथ ही अगर आप स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स प्रतिभागी मान्यता प्रमाण पत्र रखते हैं तो उसके 2 अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास स्काउट प्रमाण पत्र है तो आपके राष्ट्रपति पुरस्कार में 5 अंक, राज्य पुरस्कार में 3 अंक और तृतीय सोपान उत्तीर्ण में 2 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपके पास हल्का भारी मोटर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे 3 अंक दे होंगे। और साथ ही आपके हल्का मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिला के आपके दौड़ के अंक होंगे यहाँ पर 30 और उसके बाद आपके विशेष योग्यता से रिलेटेड अंक होंगे 20, यानी कुल 50 अंकों का यहाँ पे मामला होगा। और जिसके जितने ज़्यादा अंक होंगे उसको सबसे पहले वहाँ पे पास किया जाएगा। मेरिट में आना नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको इस परीक्षा में पास ही होना है तो आपको कम से कम 50 में से 20 अंक लाने पड़ेंगे जिससे कि आप यहाँ पे पास हो सकेंगे। भाई एक्सीलेंट लगा दोगे तो 30 अंक तो दौड़ में यूं ही आ जाएंगे, तो पास तो आप ऐसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके दौड़ तथा विशेष योग्यता के आधार पर आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी समय आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि भाई 50 कैंडिडेट की दौड़ हुई है तो उसमें से करीब 7 कैंडिडेट पास हुए हैं, बाकी 43 कैंडिडेट को फेल किया गया है और इन 7 कैंडिडेट को आगे के प्रोसेस के लिए
वहीं पे रखा जाएगा। वहीं पर आपका एक सामान्य मेडिकल किया जाएगा। इस मेडिकल के दौरान भी मैं आपको बता दूं क्या क्या होगा। मेडिकल के दौरान आपके आंखों का टेस्ट किया जाएगा जो 6x6 होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकारों रोगों से मुक्त होने चाहिए, और साथ ही आपके आपस में घुटने नहीं टकराने चाहिए, नसें फूली नहीं होनी चाहिए, भेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल न होना, शल्य प्रॉब्लम या ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही आपका छोटा सा एक मेडिकल का पार्ट होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी विद्यार्थी मेडिकल में पास होंगे उन सभी का प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन किया जाएगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके पश्चात आपकी अंतिम मेरिट निकाल दी जाएगी। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल सही होगा उन सभी अभ्यर्थियों को नामांकन हेतु पात्र मान लिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपके पूरे दिन का यहाँ पे प्रोसेस कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड, साथ ही आपका कोई आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाएगा, आपकी ऊंचाई मापी जाएगी, और एक महिला अभ्यर्थी है तो आपका वजन भी किया जाएगा। उसके बाद आपकी पीटी यानी दौड़ होगी, और दौड़ में 30, 20, 15 अंकों का खेल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर दौड़ में पास होते हैं तो उन अभ्यर्थियों का विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष योग्यता के नंबर जुड़ेंगे और उस नंबर के आधार पर एक मेरिट बनेगी, और इस मेरिट के आधार पर आपका मेडिकल किया जाएगा। और एट लास्ट जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही होते हैं उन्हें पास कर दिया जाएगा। अब दोस्त एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर इस दौड़ के दौरान अपने साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस दौड़ के दौरान आपको अपने साथ में फोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसमें से कोई एक ले जाना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आप 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएट जो भी पास हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी जो भी अंक तालिकाएँ आपके पास हैं उन सभी को आपको साथ में ले जाना होगा। साथ ही साथ आयु प्रमाण पत्र यानी 10वीं की अंक तालिका आप अपने साथ में ले जाएं ताकि आपकी एज को वेरीफाई वहां पे किया जा सके। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी इत्यादि कास्ट से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होगा। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाएं और वहाँ पे कहें कि भाई चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, वहाँ से उसको खरीदें, उसमें जो भी जानकारी है आप उसको भरें और अपने नज़दीकी किसी राजकीय चिकित्सक या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर या फिर कोई गजिस्ट्रेड ऑफिसर उनके साइन करवाएं और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर अन्य कोई यहाँ पे ये हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना होगा। दोस्तों मेडिकल का यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पे जानकारी आई है कि मेडिकल को भी साथ में मांगा जा रहा है। तो मेडिकल कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट इसकी जो विज्ञप्ति है उसमें दे रखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी में सम्मिलित होने के लिए राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो स्टेशनरी की दुकान पर जाएं और उन्हें बोले कि भाई मेडिकल वाला वो परफॉर्मा दे और उसमें जो भी डिटेलें मांगी हैं वो भरें और अपने पास के कोई राजकीय चिकित्सक के पास जाए और उनके सील साइन करवा दे, आपके काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई अपने साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ में ले जाएं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब एक दिक्कत और है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे साथ में चाहिए या नहीं। तो दोस्तों विज्ञप्ति में तो दे रखा है कि आपके पास 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, बट अभी यहाँ पे सुनने में आया है और साथ ही इसके एडमिट कार्ड भी नहीं लिखा गया है। आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। दौड़ वाले दिन साथ में नहीं ले जाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार पास हो जाते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी और उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा कि वो कैसे आपका बनेगा।
डॉक्यूमेंट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको अपने साथ में ले जाना है अपना कोई एक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, आपकी एज को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं की अंक तालिका या फिर आपकी एज जिसमें भी लिखी हो ऐसा कोई प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। आप किसी विशिष्ट कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, और उसके बाद अगर इन श्रेणियों से आते हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र, और उसके बाद आपको राजकीय चिकित्सक का दिया हुआ मेडिकल प्रमाण पत्र साथ में ले जाना होगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि हम मोटिव हो सकें और इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।